नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं धन संकल्प निधि लिमिटेड के डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम, जिसका आज यहाँ पे रामनगर होप खेल में उद्घाटन हुआ है। आइए इस बैंक के बारे में जरा जानकारी लेते हैं उनके डायरेक्टर वर्ग से, जो कि मिस्टर श्री श्याम मेवाती जी हैं हमारे साथ। मेवाती जी, जरा बताइए कि आपने इस बैंक की जो स्थापना की है, इसके पीछे आपका क्या ध्येय है और इसकी क्या क्या योजनाएँ हैं जो आप जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं? धन संकल्प निधि लिमिटेड ये जो महाराष्ट्र के जो MCA द्वारा शासित है, जो मंत्रालय में इसका निर्देशन हो, इसका लाइसेंस वहाँ से मिलता है। तो बहुत दिनों से मेरे दिल में संकल्प, मैं पहले से समाज सेवक रहा हूँ, तो मेरे दिल में बहुत दिनों से संकल्प ना थी, जो हमारे मध्यम वर्गीय, जो हमारे कर्मचारी वर्ग है, इनकी जो बचत होती है, इनका बचत का जो इनकी बचत हो नहीं पाती, तो इसके लिए इनके उद्धार के लिए हम क्या करें, जो इनकी बचत कैसी। तो मैंने बहुत शोध किया, उसके पश्चात मुझे मेरे जो CA उनके द्वारा पता पड़ा कि ये जो निधि लिमिटेड कंपनी है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को बचत करने के लिए प्रेरित करना और उनको उनकी बचत के द्वारा उनको ही कर्ज देना, ये इस तरह की संकल्पना है। तो अभी हमारा शुभ इसमें जो निधि नियम के अनुसार मुझे कम से पहले 200 कर्मचारी जमा करने होंगे, उनको यहाँ पर बचत करने आने पड़ेंगे, उन्हीं के पैसों से उनका जो कर्ज होगा, उनकी जो बचत होगी, उनकी बचत से उनको ही कर्ज देना, ये बेसिक निधि में होता है। उसके पश्चात जो डेली कलेक्शन होता है, जो यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग, जो छोटे मोटे ठेले वाले, सब्जी वाले, जो दुकान छोटे दुकान टपरी उस टाइप के, तो उन लोगों से डेली कलेक्शन जमा करना डेली, और उन्हीं को उनके उद्योग, उनके धंधे बढ़ाना, उनको कर्ज देना, ज़्यादा ये होता है। उसके साथ ही फिर जो FD RD जमा करना, वो भी हम अच्छे प्रतिशत पर लोगों को देते हैं, जैसे कि FD है, एक साल के लिए 11% हम उसको देते हैं, उसका प्रतिशत रेट, और 4 साल के लिए और थोड़ा, मतलब इस तरह से बहुत सी ऐसी योजनाएँ हैं जो लाभकारी योजना है, जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उन लोगों के यहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके लिए हम आगे काम करेंगे। हमारी टीम यहाँ पे मौजूद बैठी, हमारे सरजुदी परदेशी, ये जो हमारे डायरेक्टर हैं राजेंद्र कागड़ा, ये डायरेक्टर इस कंपनी के, हम सब एक 7 लोगों की टीम होती है, तीन डायरेक्टर होते हैं, संचालक मंडल के जो 4 सदस्य होते हैं। अब इसमें जो निधि का जो नियम होता है, इसमें कम से कम 10 लाख का बिजनेस शुरू होता है, 10 लाख रुपये उसमें जमा करना है, हमारे जो उसमें शेयर्स होते हैं, जो शेयर्स है तो लोगों में बांट रहे हैं, कुछ शेयर्स हम लेंगे, कुछ ले लोग शेयर्स जो जरूरत पड़े उनको शेयर देंगे, इस तरह के कंपनी तरह काम करती है। और हमारा मकसद जो है, खास मकसद ये है कि जो हमारे जो गरीब वर्ग है, जो लोग बचत नहीं कर पाते, उन लोग की बहुत परेशानी, और उनका होता क्या है उनका कि वो बचत नहीं कर पाते, बचत नहीं कर पाने के कारण लोगों को कर्ज देते नहीं, उनको कर्जा मिलता नहीं, उनको जरूरत पड़ने पर जैसे स्कूल में फीस भरनी हो, बहुत अचानक घर को बीमार हो जाए, तो उनकी मानसिकता ये है कि जितना कमाया जो उनको रोज पैसा मिलता है,